नमस्ते सबको, मेरा नाम लोक प्रधान है और मैं सिक्किम से आया हूँ। तो मैं शिलोंग में आया 2015 में। तो शिलोंग में मुझे कोई लेके आया है, एक भाई था वो सिलगुड़ी का था, तो उसने मुझे लेके आया। तो ये शिलोंग में काम है बोल के कि, तो मैंने पूछा उससे क्या काम है, तो उसने बोला कोयला का काम है जुआई में। तो उस टाइम में फार्मेसी में करता था, दवा दुकान में। तो दवा दुकान में काम करते करते वो मुझे बोला ऐसा ये बात, तो मुझे लेके आया शिलोंग। तो मैं भी रेडी हो गया शिलोंग आने के लिए। तो शिलोंग में आने के बाद में, तो उसने मुझे जब रात 1:30 बजे हम लोग अंजलि में पहुँचे, शिलोंग में अंजलि पार्किंग में। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में मुझसे बोला कि दोस्त का घर में जाते हैं। तो वहाँ से मुझे अंजलि से लेके आया पीवी में लेके आने के बाद में बोलता है कि पोलो जाएंगे। पोलो में फिर बोला कि हमको मैं दोस्त का घर में जाएंगे बोल के पोलो लेके आया। जब पोलो लेके आया, तो पोलो लेके आने के बाद में वो बोलता है कि भूल गया मैं दोस्त का घर, तो आज एक दिन यहीं पर गुजारेंगे। तो मैंने तो सोचा कि ऐसे यहाँ पर कैसे गुजारेगा। तो उस समय मैं कुछ पहचानता नहीं था शिलोंग, फर्स्ट टाइम आया शिलोंग, कुछ जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। तो शिलोंग लेके आने के बाद में उधर में हमको बोला वहाँ पर सोना पड़ेगा। 2015 में। तो वहाँ पर लेके आने के बाद में वहाँ पर सोने के लिए बोला, तो मैं सो गया। सोने के बाद में वो मतलब सुबह ऐसा ही 3:30-4:30 हो रहा था जब मैं अच्छा, वहाँ से आपका माई बाबा को फ्री छोड़ दिया? जी, मेरे मम्मी पापा तो एक्सपायर हो गए थे ना। अच्छा, अच्छा, उससे पहले। तो उधर अच्छा, आपका भाई दीदी वो सब नहीं, कोई नहीं है। अच्छा। खाली मेरा दादा दादी जी है, दादा दादी है। यहाँ से मतलब आने से पहले आप किसका साथ रहता था? मतलब मेरा मम्मी पापा एक्सपायर हुआ आपका 2002 में, पापा एक्सपायर हुआ, और 2008 में मम्मी एक्सपायर हुआ। अच्छा। उसके बाद में मैं अकेला था। अकेला तो था। जी, हम फ्लैट में रहता था। तो उस टाइम काम भी करता था। अच्छा, अच्छा। तो फार्मेसी में काम करता था, मेरा सैलरी था 15,000। जब वो ख़त्म होने के बाद में, जब मम्मी पापा एक्सपायर होने के बाद में, तो पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर में आ गया। वो फ्लैट का रेंट देना, अपना खर्चा पानी चलाना, तो 15,000 से मुझे नहीं पहुँचता था, तो कमती हो जाता था। तो बाद में उसी टाइम जब मैं काम कर रहा था, उसी टाइम वो भाई को मिला। उसको भी मैंने मतलब, वो भी काम ढूंढते ढूंढते आया था सिक्किम में, तो मैंने उसको काम दिलाया, मेरा अपना ही फार्मेसी में काम दिलाया। तो बाद में उसने कहा कि ऐसा ऐसा काम है, तो उसने मुझे लालच दिखाया कि 6 महीने में 1,30,000 कमाई करेगा शिलोंग में कोयला खाने में। अच्छा, ऐसा बोला। तो मैं भी लालच में आ गया। तो लालच में आने के बाद में मैं आ गया शिलोंग। शिलोंग में आने के बाद में तो लास्ट में फुटपाथ में सुला के, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैसा मेरे पास, मैं टोटल 65,000 रुपीज़ मेरे पास में था पैसा। तो उससे खर्च करके मेरे पास में रह गया था 45,000 या 50,000 रह गया था। वो भी ले लिया, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था, मेरा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस था, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ था मेरा। सब कुछ लेके चला गया। वो आपका दोस्त ने ले लिया? ले लिया। और मेरा पास में फ़ोन भी था, फ़ोन भी ले लिया। तो बाद में तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। वो तो भाग गया, आपको भाग गया। तो मैंने सरदार थाना में जाके FIR दिया। तो वो बोलता है मिलेगा तो बोल दूंगा। तो मैं फर्स्ट दिन में गया उधर में, दे के आया FIR। तो उसके बाद में तो अभी पैसा भी नहीं है पॉकेट में, तो क्या करूँ, खाना तो भूख तो लग रहा है। तो मेरे पास में 50 रुपीस था। अच्छा। तो वो 50 रुपीस से मैंने एक बोतल पानी लिया और 10 रुपये का बन मिलता है, वो लेके खाया। तो मेरे पास बच गया 30 रुपीस। 30 रुपीस से अभी कैसे चलूँ। तो रात में कुछ नहीं खाया, तो रात में जैसे तैसे करके पोलो में फिर रास्ता में सो गया। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेडिंग है। तो सो गया, कल सुबह हुआ तो फिर भूख लग गया। तो उस टाइम में भी मेरे पास 30 रुपीस था। 30 रुपीस खाली एक कप चाय पिया तो 20 रुपीस बच गया। तो अब ये 20 रुपीस से क्या करूँ।
तो कोई भी नहीं था, मतलब ऐसे करके चल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक अंकल आया जब मैं पोलो में बैठा हुआ था। तो एक अंकल आके हमको बोलता है कि आपको तो नया नया देख रहा है। तो मैंने कहा कि जी नया ही, ऐसा बोला। तो डर, बात करने भी डर लग रहा है हमको, जैसे कि नया है, मेरे तो नया देश है ना। तो बात करने भी डर लग रहा है। अभी कुछ है ही नहीं, एक बेडिंग है वो भी लेके चला जाएगा तो क्या करेगा सर। बात मैं नहीं बता रहा हूँ, पूछ रहा है मेरे को। तो थोड़ा देर में बाद हमसे पूछा कि आप क्या हो, नेपाली हो? तो हम बोला नेपाली है। तो वो अंकल बोला हम भी नेपाली है। तो जब वो बोला कि नेपाली से बात किया तो थोड़ा विश्वास हुआ मेरे को। तो हम तो उसके बाद में मैंने उनसे बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ बोल के मैंने बता दिया उनको। तो उन्होंने मुझे लेके गया ये पोलो में मांपी होटल बोल के, वहाँ पर खाना खिलाने लेके गया। भूख तो बहुत था, दो तीन दिन भूखा था, कुछ नहीं खा के बैठा हुआ। तो भूख इतना लगा था जब मुझे मांपी होटल में लेके गया ऊपर में। तो मैंने इस तरीका से खाना खाया, मैंने कुछ नहीं देखा। आसपास में बहुत जन था, वो लोग सब मुझे देख रहा था। शायद उन्होंने सोचा होगा या तो मतलब राक्षस है जो खाने नहीं मिला कुछ भी, या तो कुछ सोचा होगा ऐसा। खाया पूरा कपड़ा में गिरा गिरा खाया, इतना स्पीड में खा रहा था मैं भूख से। जब खाने का बाद में तो मैंने आसपास में देखा ना, तो मुझे थोड़ा शर्म भी लगा। तो अंकल आया, तो अंकल ने कहा, जब खाना खा लिया तो अंकल ने कहा मैं दो तीन दिन में आऊँगा आपको के लिए काम ढूंढ के आऊँगा। तो बोल के मुझे 100 रुपीज दे के चले गए। वो दिन से आज तक नहीं मिला हम वो अंकल को, वो दिन से आज तक नहीं मिला है। तो उसका बाद में अभी क्या करेगा, वो 100 रुपीज़ दिया था वो अंकल हमको, दो तीन दिन में आएगा बोल के गया। तो हमने वो 100 रुपीज़ भी खाना वाना खा के ख़त्म किया। तभी के ऊपर कुछ रास्ता नहीं है। लास्ट में एक था पोलो में एक आदमी, उसने मुझे लेके गया बोतल बोतल तलाश करने। उसने सिखाया मुझे कैसे बोतल तलाश करता है। तो उसने बोला राउंड मारना पड़ेगा। तो मैं तो मालूम नहीं था राउंड मारना क्या होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ मशीन वशीन का काम होगा राउंड मारना। तो हमको लेके गया, यहाँ से लेके गया लाइन मुखरा साइड लेके गया। तो हमको बोलता है कि वो वाला बोतल उठा के उठाओ। तो मैं गया वहाँ पर, वो दुकान के बाहर में दो तीन बोतल था डस्टबिन में। तो मैंने एक सिर्फ बोतल उठा के लेके आया। मैंने सोचा वो पानी पिएगा या कुछ करेगा। तो एक बोतल खाली उठा के लेके आया, तब उसने मुझे पीछे से एक लात मारा। तो बोला कि एक बोतल खाली क्यों उठाया, सब उठाओ बोला। तो सब बोतल उठाया, उसके बाद बस्ता में डाला मैंने। तो मुझे पता तभी भी पता नहीं था वो क्या करेगा बोतल का, पता नहीं था। थोड़ा आगे गया, कार्टून दिखाई दिया, बोला कि वो कार्टून भी उठाओ। वहाँ से लाइन मुखरा से मुझे का लाबान लसुतुन का लेके गया, घुमाया। बेचारा ने जगह भी चिन्हाया मुझे, इसको लाबान बोलता है, इसको लाइन मुखरा बोलता है, इसको बारीक पॉइंट बोलता है, ये सब भी चिन्हाया, जान पसंद कराया। तो बोतल बुक के लिए उस टाइम कितना 220 रुपया कितना हुआ था, बिक्री किया पोलो में एक ही बिक्री किया। तो 220 रुपया हुआ था, उसने मुझे 100 रुपीज़ दिया। 100 रुपीज़ दिया, 100 रुपीज़ देने के बाद में वो चला गया। तो मैंने उससे पूछा भी है कि आप कहाँ रहते हो, उसने बोला मेरा घर है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ले जाएगा ना क्या, बल्कि मैंने कहा हम भी जाएगा आपका घर बोला ना। तो उसने बोला कि नहीं होगा। तो उसने मुझे जगह दिखाया ब्रिज का उधर में, वहाँ सो जाओ। तो मैंने बोला कि ऐसा जगह में कैसे सोएगा। तो बेडिंग था जो मेरा, वो बेडिंग भी मैंने अभी क्या बोलते हैं, एक पोलो में एक दुकान का ऊपर में छुपाया था। रात में जब बेडिंग देखने गया, बेडिंग भी गायब, बेडिंग भी नहीं है जो था। तो बाद में मैंने फिर ऐसे सोना पड़ा, वही बस्ता था, वही बस्ता लेके सो गया। तो बाद में उसका नेक्स्ट दिन में मैंने सोचा वो आएगा होगा, तो नहीं आया। तो उसने मुझे जो जो जगह दिखाया था मैं खुद चला गया। फिर से बोतल उठाया, बोतल उठाता था, बोतल उठा के फिर वो बिक्री किया जाल, उसने बिक्री किया वहीं पर जाके बिक्री किया। बिक्री करने के बाद में उस दिन भी फिर मैंने कितना 110 ना 115 रुपये ऐसा कमाया। तो उसी से खाना खाया। जब मैं शिलोंग में आया 1 ईयर्स तक तो मैंने दारू नहीं पिया, नहीं छुआ, मगर मैंने मुश्किल से ठंडा गुजारा, ठंडा का टाइम था। तो 1 ईयर्स के बाद में जब एक जन आदमी मिला, तो पोलो में रहता था, उसी ने मुझे को दारू पीना सिखाया।
तो हमको बोला कि अगर बचे रहना है तो दारू पी लो। तो हम दारू पिया, पीना स्टार्ट किया, फर्स्ट फर्स्ट में तो नहीं सका, तो बाद में क्या हुआ, सेकंड टाइम में भी जब पीने के लिए दिया तो मैंने एकदम दुखी भी था, एकदम मतलब क्या लाचार, कोई नहीं है क्या करेगा ना, उसमें मैंने पी लिया ज़बरदस्ती भी, तो ज़बरदस्ती पिया तो उसके बाद में तो आदत ही लग गया मुझे पीने का, क्योंकि मुझे मालूम हुआ ना जब दारू पिएगा तब ठंडा भी नहीं लगता है, सोने भी सकता है आराम से, ना मच्छर करता है ना कुछ, तो उस दिन से मैंने कंटिन्यू दारू पीना शुरू किया। वो तो मतलब ऐसा हो गया कि बाद में वो हैबिट बन गया मेरा, नहीं मिलने से नहीं होता था। तो बाद में जब मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के बोतल तलाश करने जाता था, उस टाइम मुझे खाना का टेंशन नहीं रहता था, मुझे दारू का टेंशन रहता था कि अगर दारू रात को नहीं मिला तो मैं सोने नहीं सकूँगा, खाना तो नहीं होने से भी होगा, ऐसा हो गया था। तो बाद में दारू वैसे पीते 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 एकदम हैबिट बन गया। उसके बाद में तो खाना पीना तो उतना नहीं खाता था, एकदम मतलब दुबला पतला भी हो गया था। तो बाद में क्या हुआ, ऐसे करते 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 जगह भी पोलो से पीबी चला गया मैं। पीबी में जाने के बाद में तो पीबी में कोई टाइम में बारिश होता था, उस टाइम में राउंड नहीं मार सकता था, बोतल तो तलाश नहीं कर सकता था, तो कहाँ से खाएगा। तो जब पीबी में वो डस्टबिन है, 3 ठो डस्टबिन रखता है, तो वो डस्टबिन में मतलब ये दुकानदार लोग जो छावा बिक्री करता है पीबी पॉइंट में, वो लोग छाव जब रात में वो लोग का बच जाता था वो लोग लेके जाके डस्टबिन में फेंक देते थे। तो हम लोग रुके रहता था, वो लोग का बंद होता था 10 बजे, उसी के लिए रुके रहता था हम लोग, और मेरे साथ में 2-3 जन भी रहता था। वो लोग जैसे फेंक के जाता था डस्टबिन में, तो हम लोग क्या करते थे, उस टाइम में नहीं देखता था कहाँ पर कागज़ गिरा हुआ है या कोई मैला प्लास्टिक है या गंदा प्लास्टिक है या साफ प्लास्टिक, नहीं देखता था, प्लास्टिक उठा के और छाव को निकाल के वही खा लेता था। तो फिर वो जो फल फ्रूट बिक्री करता था वो लोग वो सारा खराब एप्पल लोग अंगूर लोग फेंक के जाता था, वो भी हम लोग निकाल के खा देते थे। तो ऐसा करके बहुत दिन काटा हम लोगों ने। तो बाद में सिटी ढाबा का कोई किसी ने देखा है तो हमको लगता है मालिक ने देखा होगा हम लोग को ऐसे खाते हुए, तो उस टाइम में फिर सिटी ढाबा का मालिक लोग खाना देने लगे। फिर भी हम लोग को तो वहाँ पर नया नया था ना, हम लोग पीवी में, और हमसे आगे पुराना पुराना बहुत था वहाँ पर रहने वाला, रास्ता में जब लाइन में खड़ा हो जाता था सिटी ढाबा का खाना आता था तो हम लोग को नहीं मिलता था, खाना भी कमती लेके आता था तो हमको नहीं मिलता था, हमको बोलता था कि तुम नया है पीछे हट, अगर हम फर्स्ट में लाइन में भी होगा तो हमको पीछे धक्के देता था। तो पहले वो लोग ले जाता था, वो लोग लेते लेते हमका लाइन ख़त्म हो जाता था, हमको नहीं मिलता था खाना भी ख़त्म, क्या करेगा, पानी लेके पी के सोना पड़ता था, पानी पीने भी पहले तो नहीं मालूम था पानी कहाँ मिलता है। तो बाद में मालूम पड़ा कि पाओ किटिंग रोड में कल उल लगाया हुआ है, बोल वहाँ से लेता था। तो उससे पहले तो रात में पानी प्यास लगने से, बारिश का टाइम था, एक दिन ऐसा हुआ बारिश का टाइम था, हम पोलो में सोया हुआ था, रात में इतना पानी प्यास लगा, हम ठीक बुद्धा मंदिर के सामने में एक रेस्टोरेंट है, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट ना क्या बोलते हैं, हाँ उधर में हम सोया सोता था। तो दिन रात में हम पानी भी लेना भूल गया, तो बोतल में पानी लेके रखता था हम, पहले दुकान उकान से मांगता था, तो पानी भी लेना भूल गया, रात में बारिश भी हो रहा था, पानी इतना ज़ोर से प्यास लगा। तो उस टाइम में हमें मतलब कमाई भी नहीं किया था, पैसा भी नहीं था, तो दारू भी नहीं पिया था, तो रात भर नींद भी नहीं लगा, तो बारिश भी बहुत ज़ोर का हो रहा था, ठंडा भी लग रहा था, तो पानी प्यास लगा। तो अभी पानी प्यास लगा तो पानी मांगने किधर जाऊँ, तो मैं सोचा इतना रात को किसी के घर में जाऊँगा भी चोर सोचेगा ना क्या बोलेगा ना। तो मैंने देखा कि एक घर है, वहाँ का आदमी बाहर में था, तो मैंने गया, मैं सोचेगा वहाँ से दे देगा ना कि पानी, तो मैंने एक बोतल लेके गया, हमने बोला भैया थोड़ा पानी मिलेगा, तो उसने मुझे ऐसा रिएक्ट किया, बोला कि क्या पानी होनी कहाँ से आया, भागो भागो ऐसा किया, भगा दिया, इतना पानी प्यास लग रहा है। तो पोलो ग्राउंड के अंडर घुसूँ उसका भी गेट बंद है, तो मैं रिटर्न आया, तो रिटर्न आया तो बुद्धा मंदिर के आगे तो थापा स्टोर है, थापा स्टोर का इधर आगे में एक बड़ा सा गड्ढा है, बड़ा सा भी नहीं छोटा सा रास्ता में जो गड्ढा है, तो बारिश हो रहा था तो रास्ता का गड्ढा का
पानी मैंने पिया, मतलब उस समय बहुत प्यास लग रहा था ना, तो जैसे कुत्ता कैसे पानी पीता है उसी तरीके से मैंने पानी पिया झुक के, वही मतलब वो साफ पानी है गंदा पानी मैंने वो नहीं देखा, खाली मैंने देखा पीना है मुझे, प्यास बुझाने के बुझाना है, वो पानी पी लिया मैंने, तब जाके आके सोया सुबह। फिर हुआ ऐसे करते करते बहुत साल कर गया, तो उसके बाद में जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद में ये म्यूनसिपल में पास्टर मनोज ब्रदर राणा प्रेम ब्रदर लोग से मुलाकात हुआ, तो उसके बाद में जब मुलाकात हुआ तो वो लोग खाना खिलाते थे, खाना खिलाते के साथ में और प्रभु का वचन भी सुनाते थे, तो वो सब सुनते सुनते पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था, पीवी में भी जब रोटी देते थे पास्टर लोग कौन कौन, तो मैं कुछ विश्वास नहीं करता था, मैं बेकार का ये सब बोल के चला जाता था। जब पास्टर लोग से मिले ब्रदर लोग से मिला तब मुझे पहले बहुत अपना फैमिली का महसूस होता था, कमी महसूस होता था, तो जैसे कोई नहीं है मेरा, मर जाएगा अभी अभी तो क्या होगा, मैं अकेला है, मर जाएगा कोई म्यूनसिपल का गाड़ी आएगा उठा के लेके जाएगा फेंक देगा मैराथन में, बस हो गया ये सोचता था। जब से लॉकडाउन का बाद से ब्रदर ने लोग से मिला प्रेम ब्रदर पास्टर से मिला, तब से थोड़ा मतलब लगा के जीने का इच्छा जग गया। तो उस टाइम से जब मिलने के बाद में जब लोग प्रभु का वचन सुनाते धीरे धीरे करके प्रभु में आने लगा मैं, तो आते आते जब पास्टर लोग कपड़ा लोग लाते थे जूता वगैरह लेके आके देते थे, प्यार बहुत सारा प्यार मिला पास्टर लोग से, आस्ते आस्ते करके मुझे वहाँ से फिर बेसन से फिर NIFT में आया। NIFT में आने के बाद में फिर और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमको प्यार मिला। अब जो लाइन पे मैं खाना ले खड़ा होके लाइन में रह के मैं खाना खाता था, अभी वही जगह में मैं खुद खाना दे रहा हूँ, अभी वही जगह में खाना दे रहा हूँ। और जो रास्ता में मैं बोतल तलाश करके पैदल चलता था मैं, वही रास्ता में अभी मैं गाड़ी से चलता हूँ। तो मुझे तब जाके जब मैं पास्टर लोग के साथ में पहले 14 डेज का फास्टिंग बैठा, तो उसके बाद में फिर 3 डेज का जब फास्टिंग बैठा उसके बाद में प्रभु हमको छोया है। तो उसके बाद में मैं इतना में जब पुलिस ने मुझे रास्ता में डंडा मारा ना तभी मैं नहीं रोया जितना मैं प्रभु में आके रोया 3 डेज का फास्टिंग में, ड्राई फास्टिंग में। तो ऐसे कर करके मैं प्रभु में आ गया, अभी तो टोटली चेंज हो गया, मैंने दारू पीना फिर से छोड़ दिया। जैसे मैं पहले जब अपना घर में था कुछ नहीं लेता था, दारू सिगरेट वगैरह कुछ नहीं लेता था, तो बीच में फिर मैं जब शिलांग में आया अभी घर गया था, तो फिर अभी फिर पास्टर लोग के साथ में आके फिर मैं जैसा पहले था वैसा नॉर्मली लाइफ अभी जी रहा हूँ। अच्छा प्रभु में आके मैं बहुत चेंज भी हो गया हूँ अभी ना, और मैंने बैप्टिज्म भी लिया और मैंने अपना मन परिवर्तन भी किया, अभी तो बस और आगे प्रभु का काम करना है, चलना है। प्रेज द लॉर्ड, आपको बहुत आशीष मिला।